जो हमारा जो चैप्टर चल रहा था, पाठ का जो नाम था प्रवास एवं मानव विकास, उसमें आज अपन अंतिम वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंतर्गत जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं मानव विकास की संकल्पना पर, मानव विकास सूचकांक के ऊपर, और विश्व को मानव विकास सूचकांक के आधार पर बांटने वाले हैं। पहले बात करते हैं मानव विकास संकल्पना। क्या है मानव विकास की संकल्पना? सबसे पहले बात करते हैं विकास। विकास शब्द क्या है बच्चों? विकास किसे कहते हैं? ये प्रश्न बन सकता है परीक्षा में। तो विकास को समझते पहले, विकास जो है किसी एक चीज से बनकर, एक चीज का जो नतीजा नहीं है, इसमें अनेक क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तो विकास की परिभाषा अगर बात करें तो विकास एक ऐसी बहुआयामी प्रक्रिया है, यानी एक बहुत से क्षेत्रों को मिलाकर के बनी हुई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किन किन क्षेत्रों को शामिल करते हैं, आर्थिक विकास को, सामाजिक क्षेत्र को, राजनीतिक क्षेत्र को, नैतिक क्षेत्र को, और बाकी जितने भी क्षेत्र हैं उन सब क्षेत्रों को समाहित करने के बाद जो प्रक्रिया बनती है वो कहलाता है विकास। देखते हैं परिभाषा एक बार फिर से। विकास एक बहुआयामी संकल्पना है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और नैतिक जैसे पक्षों को शामिल किया जाता है। ये तो बात हो गई बच्चों विकास की परिभाषा की। तो मानव विकास जो संकल्पना है इसमें केंद्र बिंदु माना गया है मनुष्य को, कि एक इंसान का विकास किस तरीके से हो रहा है, उसको जो है आर्थिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे या नैतिक स्तर पे कितना उसने अपना खुद का विकास किया है, ये सारी चीजें मिलाकर के जो है मानव विकास की संकल्पना तैयार होती है। बात करते हैं मानव विकास की संकल्पना, सर्वप्रथम जो है एक अर्थशास्त्र के महबूब उल हक, इन्होंने और एक अमृत सेन भी थे, इन्होंने सर्वप्रथम जो है मानव विकास संकल्पना के बारे में बताया था विश्व को। तो प्रश्न बन सकता है मानव विकास की संकल्पना जो है किस अर्थशास्त्र द्वारा दी गई, तो वो थे महबूब उल हक, ये याद रखना आपको। फिर इसकी परिभाषा पूछ सकते हैं विकास किसे कहते हैं, मानव विकास संकल्पना में किन चीजों को शामिल किया जाता है। तो मानव विकास संकल्पना बच्चों पूर्ण रूप से जो है इसमें केंद्र बिंदु माना गया है मनुष्य को, कि एक मनुष्य अपना विकास किस प्रकार से कर रहा है, किन किन क्षेत्रों में उसका विकास क्या है, वही कहलाता है मानव विकास की संकल्पना। अब अगला जो टॉपिक जो आता है वो जो अपना है मानव विकास सूचकांक, यानी HDI। HDI का पूरा नाम क्या है ये परीक्षा में पूछ सकता है। हिंदी में होता है मानव विकास सूचकांक और अंग्रेजी में HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये हुआ HDI का पूरा नाम, याद रखना परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। मानव विकास सूचकांक क्या है? तो मानव विकास सूचकांक क्या है कि विकास केवल जो है पैसे कमाने से या पूंजी इकट्ठे करने से मनुष्य विकास नहीं कर सकता है। एक इंसान है जिसके पास बहुत सारे पैसे है, बहुत सारी संपत्ति है, दौलत है, सब कुछ है, पर उसमें राजनीतिक या फिर आर्थिक या फिर सामाजिक या फिर नैतिक विकास नहीं हुआ उस इंसान का, तो वो जो है विकास नहीं कहलाएगा, वो विकास के सूचकांक में नहीं कम हो रहा हो। मानव विकास के लिए जो है विकास केवल लोगों की आय और पूंजी में वृद्धि करना ही नहीं है, बल्कि लोगों की कार्य प्रणाली और अपने उनके जीवन स्तर को कुछ उठाना भी क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। ये मानव विकास सूचकांक में बताया गया है। तो मानव विकास सूचकांक क्या है कि एक ऐसी प्रणाली जिसमें मनुष्य को केवल आर्थिक रूप से ही डेवलप माना न जा करके सभी क्षेत्रों में उसके जीवन को उच्च स्तर को, उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जरूरी है जो क्षेत्र, उन सभी क्षेत्रों में विकास करना ही क्या कहलाता है, मानव विकास कहलाता है। अब मानव विकास की रिपोर्ट तैयार होती है बच्चों, मानव विकास सूचकांक की एक रिपोर्ट तैयार होती है जिसे एक संस्था द्वारा तैयार किया जाता है। ये भी पूछ सकता है मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट तैयार करने वाली संस्था कौन सी है, तो वो संस्था का नाम है यू
अच्छाई की जो उसकी है वो शैली किस प्रकार की है, मनुष्य ने वहां कितना विकास किया, इस आधार पर वो क्या करती है, देशों को जो है रैंक देती है, स्थान देती है। तो मानव विकास सूचकांक के दृष्टिकोण से वो देश जिसने सबसे ज्यादा अभी तक विकास किया है, जिसमें मनुष्य का विकास सबसे सर्वाधिक हो रहा है, वो देश है प्रथम स्थान है नॉर्वे। यूरोपीय महाद्वीप का एक देश है नॉर्वे, जो सूचकांक मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है विश्व में। HDI की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है, वो नॉर्वे देश है यूरोप महाद्वीप का। ये देश प्रथम स्थान रखता है HDI मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा इंसानों का विकास हुआ है, सबसे उच्च स्तर पे जीवन चलिए इंसानों के, यहाँ पे जीवन जीने की जो उनकी गुणवत्ता है वो सब विश्व के सबसे सर्वाधिक देशों में सबसे ज्यादा नॉर्वे में ही है। भारत की भी बात कर लेते हैं, भारत में मानव विकास सूचकांक यानी मनुष्य का विकास स्तर के आधार पर देश कौन से नंबर पर आता है, तो भारत बहुत पिछड़ा हुआ है, 138वें नंबर पर आता है विश्व में, क्योंकि भारत का जो मानव विकास सूचकांक जो है वो केवल 0.554 ही है, नॉर्वे का 0.955 है। पूछे कि विश्व में नॉर्वे का जो सर्वाधिक है मानव विकास सूचकांक कितना है, तो 0.955 है, भारत का 0.554 ही है, नॉर्वे प्रथम स्थान पे, भारत 138वें स्थान पे है। मानव विकास सूचकांक को देखो कैसे ज्ञात करते हैं, मानव विकास सूचकांक जो है केवल 0 से लेके 1 तक के बीच में ही होता है, 1 से कभी अधिक नहीं होता है, इसकी संख्या 1 से कभी अधिक नहीं पहुंचती है। तो नॉर्वे का सर्वाधिक है 0.955, ये मानव विकास सूचकांक है, भारत का 0.554, 138वें स्थान पर भारत आता है। अब विश्व का बंटवारा भी कर लेते हैं, मानव विकास सूचकांक का अंतरराष्ट्रीय प्रारूप पढ़ लेते हैं एक बार, विश्व को मानव विकास सूचकांक के आधार पर कितने भागों में बांटा है, तो वर्ष 2013 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 186 देश है। UNDP जो हर साल जो देशों की लिस्ट बनाती है मानव विकास की, उसमें 186 देश जुड़े हुए हैं, उन 186 देशों के लिए जो है मानव विकास कल्याण सूचकांक की गणना की गई, उस गणना के आधार पर विश्व को जो 3 भागों में बांटा गया है, 3 भाग कौन कौन से बच्चों देखना, पहला है उच्च मानव विकास श्रेणी, यानी वे देश इस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे जिनका मानव विकास सूचकांक जो है 0.71 से अधिक है, यानी वे देश जिसका मानव विकास सूचकांक 0.7 से अधिक है वो कौन सी श्रेणी में आएंगे, उच्च मानव विकास की श्रेणी में आएंगे। अब इस श्रेणी में कितने देश है और कौन कौन से प्रमुख देश है वो देख लेते हैं, उच्च मानव विकास श्रेणी में जिनका मानव विकास सूचकांक 0.7 से अधिक है उनमें देखना, कुल 186 में से 94 देश इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, 186 में से 94 देश उच्च मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में है, प्रमुख में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, आपको याद है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का उदाहरण आप दे सकते हो, क्योंकि इनका मानव विकास सूचकांक भी कितना है, 0.7 से अधिक है। दूसरा है मध्यम विकास श्रेणी, जिसका वे देश जिनका मानव विकास सूचकांक 0.5 से 0.7 के मध्य है वो आएंगे मध्यम विकास श्रेणी में, 186 देशों में से कुल 47 देश इस मध्यम श्रेणी में आते हैं, प्रमुख देशों में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये सारे देश जो है किस श्रेणी में आते हैं, मध्यम श्रेणी में, भारत भी अपना मध्यम श्रेणी में आता है, क्योंकि भारत 138वें नंबर पे आता है मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से, प्रथम स्थान किसका है, नॉर्वे का। आखिरी कैटेगरी है बच्चों निम्न विकास श्रेणी, वे देश जिनका मानव विकास सूचकांक जो है 0.5 से कम है वो इसके अंतर्गत आएंगे, इसमें कुल 45 कंट्रीज है, 45 देश है, इसमें प्रमुख देशों में कांगोस, सुदान और नेपाल है। तो ये एक संकल्पना बन सकती है मानव विकास सूचकांक के आधार पर जो है विश्व को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा है, उच्च मानव विकास श्रेणी में, मध्यम मानव विकास श्रेणी और निम्न मानव विकास श्रेणी, ये हमारा जो पाठ था। अब इसमें भारत के संदर्भ में बात कर लेते हैं, भारत क्योंकि 138वें नंबर पे है, अब भारत देश की बात करें तो सबसे सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक जो हमारे राज्यों की बात करें, केरल इसमें प्रथम स्थान पे आता है, भारत में सबसे ज्यादा मानव विकास मानव का मनुष्य का जो विकास हुआ है वो केरल राज्य है। अब इसको अपन बड़े लेवल पे पढ़ेंगे, हमारे सेकंड पॉइंट गूगल में जो है उसमें मानव विकास सूचकांक का चैप्टर आएगा भारत के संदर्भ में, उसको वहां पे अपन पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा पाठ था मानव प्रवास और विकास, वो पाठ हमारा खत्म होता है। अब इसमें भी बचे महत्वपूर्ण पाठ है, प्रश्न बन सकता है लघुतरात्मक परीक्षा में, तो आप ध्यान पूर्वक पढ़े। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, मानव विकास सूचकांक क्या है ये पूछ सकता है, विकास क्या है ये बन सकता है।
HBI की फुल फॉर्म क्या है ये भी बन सकता है, या जो अभी तक अपन पढ़ा है प्रवास किसे कहते हैं, प्रवासों के प्रकार, या प्रवासन, प्रवास, आप प्रवास, जो भी पढ़ा है उनके बारे में चर्चा हो सकती है। तो आगे इस चैप्टर की जो है